हाँ भैया, गाड़ी से सारा सामान निकलवा दो। भैया, काफी टाइम बाद हम अपने पुराने घर आए हैं। हाँ, और मानना पड़ेगा, शांता ने वाकई में घर में काफी साफ सफाई करके रखी है। अरे साहब और मीम साहब, आप दोनों आ गए। अरे पर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मैं कह रही थी कि भूत। क्या है, पीछे तो कुछ भी नहीं है। हाँ क्या हुआ है तुझे? वो मैं ये कह रही थी कि आप दोनों के जाने के बाद ना हमारे घर पे भूतों का साया पड़ गया। हमारे घर में ना एक छोटी बच्ची की आत्मा घूमती है। क्या, भूतों का साया? हाँ भूतों का साया, इसलिए आप दोनों भी जाओ और मुझे भी जाने दो अपने घर। क्या शांता, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है तू। लगता है तूने अकेले रहते रहते पीना भी शुरू कर दिया है। अरे मैंने कोई पीना शुरू नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। अब पता नहीं क्या होगा। और आप वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप भूतों पर विश्वास करते हो या नहीं। ठीक है, आलतू जलालतू आई बता को टालतू, आलतू जलालतू आई बता को टाल। क्या शांता, कुछ भी तो नहीं है। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, किसी का हाथ धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा था। अब तेरी फालतू की ये बातें छोड़ और लाइए नाश्ता रख। हाँ ये लीजिए। अरे मेरा फोन। अरे मेरी नाश्ते की प्लेट यहीं तो थी। शांता जी। साहब क्या हुआ? वो मेरा नाश्ता। नाश्ता क्या हुआ? नाश्ते को अच्छा नहीं बना साहब? हाँ क्या हुआ नाश्ते को? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या साहब, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट किया। अरे ये भैया बिना इतनी गर्मी में ओढ़कर सोए। अरे पूजा तू भी आ जा, नाश्ता कर ले। अरे नहीं भैया, अगर भैया यहां है, शांता किचन में है, तो रूम में कौन सो रहा है? अरे पूजा क्या हुआ, तू यहाँ पे ऐसे घबरा कर क्यों आई? भैया वो कुछ नहीं। अरे पूजा क्या हुआ, कुछ टेंशन में लग रही है? भैया आपको तो पता ही है कि मुझे गोल्ड का कितना शौक है, पर अब तो जैसे कुछ बचत ही नहीं हो पा रही है और उससे मैं अपने लिए गोल्ड ही नहीं खरीद पा रही हूँ। अरे तो फिर मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ जिससे तेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो डिजिटल गोल्ड क्यों नहीं खरीद लेती? डिजिटल गोल्ड? पर ये क्या है, इससे कैसे खरीदते हैं? तू ये ट्राई कर, अपस्टॉक गोल्ड। मैं खुद इससे गोल्ड खरीदता हूँ। अपस्टॉक गोल्ड?
पर ये क्या है? अपस्टॉक गोल्ड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके 30 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है। यहाँ तू 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड खरीद सकती है। इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि तू छोटे से छोटे अमाउंट का भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकती है। मतलब तू 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकती है, वो भी लाइव मार्केट प्राइस में। जब भी थोड़ा पैसा हो तू डिजिटल गोल्ड खरीद ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे सब खरीद सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि तू कुछ ही मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे वाह भैया, ऐसा ही तो मैं कुछ ढूंढ रही थी। पर ये सेफ तो है? सेफ तो 100% है ये, क्योंकि हमारे गोल्ड को ये लोग 100% सिक्योर वॉल्ट्स में रखते हैं, तो सेफ्टी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस इसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता, जो कि 5-8% तक होता है। अगर ज्वेलर से खरीदने जाओ तो सिर्फ 3% GST लगता है। और बहुत जल्द अपस्टॉक गोल्ड होम डिलीवरी भी शुरू करने वाला है, तो तू आराम से डिलीवरी भी ले सकती है। अरे वाह, ये तो बेस्ट है। पर इसमें अकाउंट ओपन करने के क्या चार्जेस है? अरे तू इसमें अकाउंट ओपनिंग की तो टेंशन ही मत ले, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू भैया, मैं आज ही अपस्टॉक गोल्ड में अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती हूँ। हाँ, अकाउंट ओपनिंग लिंक और डाउनलोड लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू कर। हाँ भैया, मैं अभी करती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये टूटने की आवाज। अरे ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं क्या करूं? वो शांता सही कह रही थी कि हमारे घर पर सच में भूतों का साया है। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल रही। अरे पूजा, मैं हूं, दरवाजा खोल। भैया वो, मैं तो आप दोनों को पहले ही बोल रही थी कि हमारे घर में भूत का साया है। पर वो आखिर चाहती क्या है? भूत है, क्या चाहेगी? सुकून से रहना, अकेले रहना। भूतों को बिल्कुल पसंद नहीं कि इंसान उन्हें परेशान करे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, आप जहाँ से आए हो वहाँ फिर से चले जाओ और मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। हाँ तूने सही कहा। भैया मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। हाँ, सुबह की पहली फ्लाइट से हम दिल्ली चले जाएंगे। हाँ भैया, यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। अगर आप दोनों जा रहे हो तो मैं भी अपना बोरिया बिस्तर बांध देती हूँ। हाँ चलो जल्दी। चल पूजा जल्दी चल। हाँ भैया आई। चल शांता, हम जा रहे हैं, तू भी निकल। जी जी मेम साहब, ध्यान से जाना। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी जल्दी से निकलती हूँ। शांता अब तू भी यहाँ से निकल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे आपको ये घर चाहिए ना, तो इस घर के मालिक को पकड़ो। मैं तो इस घर में काम करती हूँ, नौकरानी हूँ, झाड़ू पोछे वाली। आप कहोगे ना तो मैं आपके घर भी मुफ्त में झाड़ू पोछे कर दूंगी। माँ वो दोनों तो मुझसे डरकर भाग गए। हाँ तुझे सचमुच का भूत समझ बैठे। हाँ अब इस घर पर सिर्फ हमारा राज होगा। हाँ माँ, अब इस पूरे घर के मालिक हम हैं। शांता। अरे साहब, मेम साहब आप दोनों तो चले गए थे ना। अरे वाह, तू तो कितनी चालाक निकली। भूत बनकर हमें डरा कर यहाँ से भगाया और अब यहाँ खुद राज करना चाहती है। शांता
तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अरे तूने हमें धोखा दिया जहाँ तूने इतने सालों काम किया। शांता तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेम साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। कोई माफी नहीं मिलेगी, समझी? अरे कम से कम इस बच्ची पर तो दया करती, इतनी सी उम्र में क्या सिखा रही है तू इसे? पर अब नहीं, इस घर से हम नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। अरे पर कुछ नहीं बोला ना, चलो निकलो यहाँ से। और हाँ अपना ये सामान लेकर जा। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, पर आज इस घर को पाने के चक्कर में जो था वो भी मैंने सब कुछ खो दिया। बेटा लालच बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ आज ही अपस्टॉक गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल फ्री है। अकाउंट ओपनिंग लिंक और ऐप डाउनलोड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।